डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, मैथ क्लास फाइव चैप्टर सेवन है, एक्सरसाइज 48। तो इसमें क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू कॉमन फ्रैक्शंस इन द लोएस्ट टर्म्स। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो डेसिमल्स में दिया हुआ है नंबर जो है उसको फ्रैक्शन में बदलना है, और फ्रैक्शन को फिर सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब लोएस्ट फॉर्म में मतलब सबसे कम काट के जो आएगा उसमें कन्वर्ट करना है, तो वही उसका आंसर होगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आगे में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर GHI है, तो इसको हम लोग यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में। सबसे पहले यहाँ पे इसको लिखते हैं 004, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 30 है, मतलब 3 डिजिट है, तो पॉइंट 1 के बाद 30 लगा देंगे। अब इसको यहाँ पे काटना है, तो बड़ा नंबर है इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे, 2 से ये कटेगा, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 7 14 हो गया यहाँ पे, और यहाँ 1 बच गया, तो 2 5 10 यहाँ तक कट गया, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 2 2 4 ये 2 से कट गया, और 2 से इसको 2 5 10 हो गया, और यहाँ पे 2 0 आ गया 500। अब ये 2 से कटेगा तो काट लेते हैं इसको, 2 6 2 3 6 हो गया, और यहाँ पे 1 2 4 2 7 14 यहाँ 1 बच गया, 2 5 10, और यहाँ पे 2 1 2 इतना बार में जाएगा, और यहाँ पे हो गया 250। अब ये कटने वाला नहीं है, तो किससे कटेगा ये, यहाँ पे 10 हो गया, 15 16, यहाँ पे अब नहीं कटेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही रह जाएगा, ये 37 51 और 250। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको 250 37 इसको इससे डिवाइड करते हैं, कितना बार में जाएगा, ये 1 बार में जाएगा 250, और यहाँ 5 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, और ये इतना आ गया। तो ये कितना बार में जा सकता है, यहाँ पे ध्यान देना है कि 25 का टेबल अगर हम 5 बार पढ़ते हैं तो 125 आएगा, अगर और इस पर एक 0 लग जाएगा, तो 5 बार में कितना जाएगा, ये इतना आएगा, 125 पे एक 0 लग जाएगा, तो ठीक है, कम्प्लीटली आ जा रहा है, सिर्फ एक रह जा रहा है यहाँ पे रिमाइंडर में। इसका मतलब है कि इसका आंसर जो है इतना हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर लिख लेते हैं हम, यहाँ पे हो गया 15 and 1/250। तो ये इसका वन नंबर जी नंबर का आंसर हो जाएगा, जी का, ठीक है। तो नेक्स्ट बनाने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, यहाँ पे इसको हम मिटा लेते हैं, यहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं, इसका आंसर आया था 15 and 1/250, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 2375 और 1 पे 30, ठीक है। यहाँ पे 5 से ये कटेगा, तो 5 से इसको काटते हैं, 5 2 10 हो गया, और इस पे 2 0 लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 0 ये कट गया 5 से, 5 5 4 20, और यहाँ पे 3 नहीं जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 5 7 35 हो गया, तो यहाँ 2 बची गया, 5 5 25, ये 5 से कट गया, अभी भी 5 से कटेगा, 5 4 20 हो गया, ये 0 यहाँ पे, और 5 8 40 हो गया, फिर 7 मतलब 5 1 5 हो गया, यहाँ 2 5 5 25, इतना बार में कट गया, अभी भी 5 से कट रहा है, तो 5 8 40 और 5 1 5, यहाँ पे कितना हो गया 3, तो 5 6 30 और यहाँ 1 5 3 15, इतना बार में गया, अब लगता नहीं कि जाने वाला है। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे 163/8, यहाँ पे इसको 8 से डिवाइड कर लेते हैं, 163 कितने बार में जाएगा, 8 2 16 हो गया, 16 ये कट गया, ठीक है। अब 3 यहाँ पे नीचे आया, लेकिन डिवाइड जाने वाला नहीं है, ये रिमाइंडर हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 20, यहाँ पे लिख लेते हैं इसका आंसर, यहाँ पे हो गया 20 and 3/8, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट बनाने के लिए इसको मिटा लेते हैं हम लोग, आई नंबर में यहाँ पे 88.88, तो पॉइंट हम लोग को लिखना नहीं है, तो 8 यहाँ पे और 8 8 8 8, और यहाँ पे 1 के बाद 2 0, ठीक है। अब इसको 2 से काटेंगे, 2 से काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, 4 से अगर काटते हैं तो 25 बार में एक चला चल जाएगा,
25 बार में कटेगा, और ये 4 1 जा 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 2 जा 8 कट गया। अब किससे कटेगा? अब कटने वाला नहीं है, तो इसका मतलब है ये 2 2 2 बाई 25, तो इसको करना पड़ेगा डिवाइड। तो डिवाइड यहाँ पे हम लोग दे लेते हैं इसको, 25 से 2 2 2, अब कितना बार में जा रहा है ये, तो 25 8 जा 200 होता है, ठीक है, तो 8 और यहाँ पे 200 दिए तो 22 बच गया, ये कट गया, फिर ये 2 होगा, 222 मतलब फिर से 8 बार में जाएगा, ठीक है 8, अब यहाँ पे 200 आ गया, अब 22 बच गया, तो इसका मतलब है कि अब जाने वाला नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 88 एंड 22 बाई 25, ये इसका आंसर हो गया। कंप्लीट हो गया यहाँ तक।